नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। 9 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए कमाल आर खान उर्फ केआरके ने ट्विटर पर पहली पोस्ट डाली है। इसमें उन्होंने संकेत दिया है कि वह उनके साथ जो हुआ उसका बदला लेंगे। डालिए नजर इस पोस्ट पर। ऋतिक रोशन अपने दोनों बेटों के साथ शुक्रवार को ब्रह्मास्त्र देखने थिएटर पहुंचे। स्क्रीनिंग के बाद जब ऋतिक घर जा रहे थे तो एक फैन ने जबरदस्ती ऋतिक के साथ फोटो क्लिक करने की कोशिश की, जिसके बाद ऋतिक को गुस्सा आ गया और वह उस शख्स पर भड़क गए। प्रभास के चाचा दिग्गज एक्टर और पूर्व मंत्री उप्पलपति कृष्णम राजू का आज निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी और 3 बेटियां हैं। जुबिन नौटियाल ट्विटर पर अपने अगले कॉन्सर्ट की वजह से ट्रोल का शिकार हो गए हैं। यूजर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं, पुलिस से उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके अगले कॉन्सर्ट के पोस्टर को लेकर दावा किया जा रहा है कि शो का ऑर्गेनाइजर जय सिंह भारत का वांटेड क्रिमिनल है। इस बात पर जुबिन ने रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट शेयर किया। डालिए नजर जुबिन की इस पोस्ट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।